ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ठगी का दुकान खोलकर अंधविश्वास में डूबे हुए लोगों को ठगना ही ज्योतिषियों का मुख्य उद्देश्य है। यानी ज्योतिष शास्त्र के नाम पे पाखंडी ज्योतिषी ठगी का धंधा चलाते हैं और ज्योतिषियों के जाल बिछाए गए इस ठगी के धंधे में फंस कर अंधविश्वास में डूबे हुए लोग ठगी का शिकार बन जाते हैं। हम तर्कवादी युक्तिवादी विज्ञानवादियों की चुनौती है, जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना ही बड़ा चीटिंगबाज हुआ करता है। इन चीटिंगबाज ज्योतिषियों का एकमात्र उद्देश्य है ज्योतिष शास्त्र के नाम पर लोगों को ठगना, उन्हें उल्लू बनाना और उनकी मेहनत की कमाई पे हाथ साफ करना। इसके लिए ज्योतिषी अखबार, टीवी, मैगजीन में विज्ञापन दिया करते हैं। विज्ञापन के द्वारा ज्योतिषी लोगों को अपनी दुकान पर लाते हैं और उन्हें ठगा करते हैं। लेकिन हम युक्तिवादी तर्कवादियों की आंदोलन के वजह से ज्योतिषियों के मन में हमेशा डर बैठा रहता है कि कहीं कोई युक्तिवादी उनके दुकान पर ना पहुंच जाए, उनकी पोल ना खोल दे। ऐसा ही नहीं, उनकी पोल खोलने के बाद उन्हें कहीं कानून के चक्कर में पड़ना ना पड़ जाए, कहीं जेल की हवा ना खाना पड़ जाए। जिस तरह से कोई व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिषी पर विश्वास कर ठगी का शिकार बन जाते हैं, उसी तरह से ज्योतिषी भी लालच में आकर ठगी का शिकार बन जाते हैं। और ऐसा शिकार हम तर्कवादी, हम युक्तिवादी ही ज्योतिषियों को बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज्योतिषी एक चालबाज होता है, ठगबाज होता है, चीटिंगबाज होता है। और ऐसे चिटिंगबाज ठगबाजों को किस तरह से ठगा जा सकता है, किस तरह से उल्लू बनाया जा सकता है, वह उपाय हम तर्कवादियों को, युक्तिवादियों को भली भांति पता है। इसीलिए समय समय पे हम तर्कवादी युक्तिवादी ज्योतिषियों की पोल खोलते हैं, उन्हें अपने चंगुल में फंसाते हैं, उन्हें हम अपने रचना में यानी साजिश में फंसा कर उन्हें एक्सपोज करते हैं, उनकी पोल खोलते हैं और लोगों को यह बताते हैं, समझाते हैं, जागरूक करते हैं कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना ही बड़ा पाखंडी चीटिंगबाज हुआ करता है। ऐसे पाखंडी चीटिंगबाज ठगबाज ज्योतिषियों के चंगुल में मत फंसिए। तो चलिए आज आपको एक ज्योतिषी की घटना सुनाता हूँ। इस घटना में हम तर्कवादी युक्तिवादियों ने एक ज्योतिषी को जाल में फंसाकर उसकी पोल खोल दिया था। घटना 2005 की है। उस समय नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, अंग्रेजी में साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए कोलकाता आया हुआ था। नेशनल जियोग्राफिक के डायरेक्टर के सुझाव मुताबिक युक्तिवादी समिति के संस्थापक प्रबीर घोष ने कई ज्योतिषियों के बारे में बताया। उनमें एक ज्योतिषी का नाम था आचार्य सत्यानंद। ज्योतिषी आचार्य सत्यानंद ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ठगी का दुकान चला चला कर करोड़पति बन चुका है। सीधे शब्द में आचार्य सत्यानंद ज्योतिषी करोड़पति ज्योतिषी है, जो निजी चैनल पे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान जनता को बांटा करता है, अपनों भक्तों को, जनता को यह सुनाया करता है ज्योतिष ज्ञान। इसके साथ ही वह अपने चेम्बर में बैठकर ही किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह की समस्या का समाधान किया करता है। इसके लिए पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात स्थित टाकी रोड में उसका एक निजी चेम्बर है, जहाँ वह ज्योतिषी का चेम्बर है और उस चेम्बर में बैठ के ज्योतिषी आचार्य सत्यानंद लोगों की समस्या का समाधान किया करता है।
युक्तिवादी समिति की ओर से बताए गए आचार्य सत्यानंद की बातों से राजी होकर नेशनल ज्योग्राफी चैनल के डायरेक्टर ने कहा, आचार्य सत्यानंद की पोल खोलकर दिखाइए, हम इसी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे। इसके बाद प्रवीर घोष के लीडरशिप में एक प्लानिंग बनाई गई। प्रवीर घोष के प्लानिंग मुताबिक सुमित्रा पद्मनाभन ने एक लड़की को लेके ज्योतिषी के पास पहुंची। दूसरी ओर प्रवीर घोष के अपना ही बेटा पिनाकी घोष एक लड़की के साथ ज्योतिषी के पास पहुंचा और इसके साथ ही पहुंचा नेशनल ज्योग्राफी चैनल के डायरेक्टर खुद कैमरा लेकर। बारासात स्थित टाकी रोड में ज्योतिष चैम्बर है सत्यानंद की। इसी चैम्बर में युक्तिवादी समिति की ओर से दो अलग अलग समस्याएं लेके सुमित्रा दी और पिनाकी घोष पहुंचे। इसके साथ ही पहुंचे नेशनल ज्योग्राफी के डायरेक्टर अपने कैमरे के साथ। लेकिन ज्योतिषी आचार्य सत्यानंद को यह कानो कान खबर तक नहीं हुआ कि उनके सामने जो लोग आए हुए हैं वे सभी भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और उनकी पोल खोलने के लिए पहुंचे हैं। सुमित्रा जी ने ज्योतिषी आचार्य सत्यानंद से कहा कि मेरी बेटी ने शादी कर ली है अपनी मनमानी से किसी ड्राइवर के साथ। हम पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षित हैं और खानदानी है, बड़े लोग हैं। ऐसे में अगर मेरी बेटी किसी गरीब से किसी ड्राइवर से शादी कर लिया है तो ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। आप एक कोई ऐसा उपाय निकालिए जिसके द्वारा मेरी बेटी की शादी खंडन हो जाए और हमारी इज्जत बच जाए। ज्योतिषी सत्यानंद ने सुमित्रा जी की बातों में विश्वास कर उपाय बताया कि 3 महीने में आपकी बेटी की शादी रद्द हो जाएगी और आप अपनी मर्जी से बेटी की कहीं और शादी दिलवा सकेंगे। ये तो हुई सुमित्रा जी ने जो घटना ज्योतिषी के पास बताई उसके आधार पे ज्योतिषी सत्यानंद ने उपाय बताया समाधान का। इसके बाद पिनाकी घोष ने अपने साथ जो लड़की को लेकर गए थे उसे दिखाते हुए पिनाकी ने सत्यानंद को कहा कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं लेकिन हमारे बीच सामाजिक पारिवारिक विभेद है, इसके चलते हम शादी नहीं कर पा रहे, आप कोई उपाय बताइए। पिनाकी की बातों पर विश्वास कर ज्योतिषी सत्यानंद ने उपाय बताया, कुंडली बनाकर बताया कि आपकी शादी अगले 3 महीने में हो जाएगी। शादी में किसी तरह की सामाजिक पारिवारिक भेदभाव दीवार नहीं बनेगी। इसके बाद हमें जब खबर मिल गई कि ज्योतिषी सत्यानंद ने सुमित्रा जी और पिनाकी घोष के प्लान मुताबिक उपाय बताया, समस्या के समाधान बता चुका है और वह सभी घटनाएं कैमरा में कैद भी हो चुकी है, तो अब हमारी बारी है कि ज्योतिषी सत्यानंद की पोल खोलने की। इसके बाद प्रवीर घोष के साथ मैं और समिति के कई कार्यकर्ता आचार्य सत्यानंद के चैम्बर पहुंचे। प्रवीर घोष को देखते हुए सत्यानंद के होश उड़ गए। उन्होंने दिन दहाड़े जैसे मानो बाघ देख लिया हो और सत्यानंद छटपटाने लगे। ऐसे में प्रवीर घोष ने कहा कि आप सुमित्रा जी की जो समस्या सुनकर समस्या का समाधान बताए हैं वो समस्या नहीं है, वास्तव में सुमित्रा जी के साथ जो लड़की आई है उनकी बेटी भी नहीं है और इस लड़की की शादी भी नहीं हुई है किसी के ड्राइवर के साथ। इतने सुनकर सत्यानंद आग बबूला हो गए। इसके बाद प्रवीर घोष ने कहा कि ये जो पिनाकी है यह मेरा इकलौता बेटा है और इसकी शादी वर्षों पहले सोनाली के साथ हो चुकी है, जो सोनाली नेशनल ज्योग्राफी चैनल के साथ असिस्टेंट के रूप में आई हुई है, वह देखिए खड़ी है, और पिनाकी के साथ जो लड़की है उसके साथ शादी की कोई बात ही नहीं है। असल में आप ज्योतिषी की पोल खोलने के लिए हमने एक प्लानिंग बनाई थी और उसी प्लानिंग के तहत नेशनल ज्योग्राफी चैनल आपके यहाँ पहुँचा है और
हमने आपकी पोल खोली है। वास्तव में जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना ही बड़ा पाखंडी चीटिंगबाज 420 हुआ करता है। ऐसे पाखंडी चीटिंगबाज 420 ज्योतिषियों की पोल खोलना हम तर्कवादी युक्तिवादियों का मूल लक्ष्य है, प्रधान कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य और लक्ष्य और आंदोलन के तहत ही हमने आप चीटिंगबाज ज्योतिषियों की पोल खोली है। इसके बाद सप्तानंद ने निजी चैनल पर बैठकर प्रवीर घोष, सुमित्रा जी, पिनाकी घोष समेत समिति के यानी भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के कई कार्यकर्ताओं को खुलेआम हत्या करने की धमकी दे दी। सप्तानंद की पोल खोल और उसके बाद गुस्साए ज्योतिषी सप्तानंद ने जो निजी चैनल पर बैठ के प्रवीर घोष, सुमित्रा जी, पिनाकी घोष समेत और कई भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के कार्यकर्ताओं को खुलेआम हत्या करने की जो धमकी, चेतावनी या फतवा जारी किया था, वह खबर उस समय मीडिया के सुर्खियों में छा गया था। इस घटना को लेकर प्रवीर घोष सीआईडी ऑफिस में जाके शिकायत दर्ज करवाई। प्रवीर घोष के शिकायत के आधार पर सीआईडी ने ज्योतिषी सत्यानंद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। ये तो एक सच्ची घटना थी। जो घटना यह दर्शाता है कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना ही बड़ा पाखंडी चीटिंगबाज 420 हुआ करता है। इतना ही नहीं, जब आप किसी ज्योतिषी की पोल खोल देंगे, वो ज्योतिषी अपनी चीटिंगबाजी 420 को छोड़कर आपको जान से मारने की धमकी तक, फतवा तक भी जारी कर देगा। इसलिए हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, सचेत भी करना चाहूँगा कि आपके इलाके में कोई ज्योतिषी है तो उसकी पोल खोलने के लिए पहले ठोस प्लानिंग बनाइए। और इस प्लानिंग में आप देख लीजिए, अगर आप उस ज्योतिषी की पोल खोलते हैं उसके बाद क्या क्या घटना हो सकती है। पोल खोले जाने के बाद शायद वह ज्योतिषी आपके खिलाफ कोई मोर्चा ना खोल दे, आपको जान से मारने की धमकी भी दे सकता है या गुंडा बदमाश भेजकर आप पर हमला भी करवा सकता है। इसीलिए आपको सावधान भी रहना पड़ेगा किसी भी ज्योतिषी की पोल खोलने से पहले। अगर आप में हिम्मत है, आप में ताकत है, आप में लोक बल है, आपके पास जन समर्थन है, मीडिया की ताकत है, पुलिस प्रशासन आपको मदद के लिए तैयार है, तो आप हिम्मत के साथ प्लानिंग बनाकर किसी भी ज्योतिषी की पोल खोलिए और जनता को बताइए ज्योतिष शास्त्र के नाम पर ज्योतिषी की ठग धंधा, चिटिंगबाजी धंधा, 420 धंधा चल रहा है। ज्योतिषियों का एकमात्र उद्देश्य है ज्योतिष शास्त्र के नाम पे लोगों को ठगना, और ऐसे ठगवा ज्योतिषियों की पोल हमेशा खोलना एक युक्तिवादी, तर्कवादी, विज्ञानवादियों का मूल लक्ष्य है और दायित्व भी है। मैं भी अपने जीवन में भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के साथ जुड़कर कई ज्योतिषियों को चुनौती भी दिया हूँ और उनकी पोल भी खोला हूँ, जो आपको धारावाहिक रूप से आपके सामने धीरे धीरे पेश करते जा रहा हूँ। आप मेरी बातों को सुनते रहिए और आप भी चाहे तो मेरे जैसे आप भी एक तर्कवादी के रूप में, विज्ञानवादी के रूप में किसी भी ज्योतिषी की पोल खोल सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा कि ज्योतिष शास्त्र एकमात्र ठग शास्त्र है। इस शास्त्र के द्वारा ज्योतिषी ठगी का धंधा चलाया करता है। ज्योतिषी के पास किसी का भी भाग बदलने की रत्ती भर क्षमता, ज्ञान कुछ भी नहीं है। इंसान खुद अपना भाग खुद निर्माण कर सकता है, कोई भी ज्योतिषी आपका भाग निर्माण नहीं कर सकता है। ज्योतिषी के पास कोई ज्ञान नहीं होता है किसी भी इंसान का भाग बदलने की, किसी भी इंसान की समस्या का समाधान करने की। ज्योतिष के पास सिर्फ एकमात्र ज्ञान होता है किस तरह से अंधविश्वास में डूबे हुए लोगों को, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करने वाले लोगों को ठगना। इसलिए 420 चीटिंगबाज, ठगबाज ज्योतिषी से दूरी बना के रखिए, और आपके इलाके में अगर कोई ज्योतिषी है, तांत्रिक है, तो उनकी पोल खोलिए। इसके लिए भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, साइंस एंड रेसनिस एसोसिएशन समेत अन्य विज्ञान संगठन हमेशा आपके लिए तैयार है। आप चाहे तो मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको हर संभव मदद के लिए तैयार हूँ किसी भी पाखंडी ज्योतिषी के पोल खोलने के लिए।